नहीं है इनको कोई, बढ़ती है महंगाई 135 में है दाल। अरे बाप रे बाप 135 में है दाल। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। आदाब, आइए बात करते हैं भिवंडी शहर के। भिवंडी शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो बार बार आवाज उठा रहे हैं, हालांकि आवाज उठाने वाले लोग कम हैं। ऐसा लगता है कि इन्हीं लोगों को इस शहर से मोहब्बत है, प्रेम है, दूसरे लोगों को नहीं है। हालांकि भिवंडी शहर में 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं। बहरहाल, सबके नसीब में आवाज उठाना भी नहीं होता। मालेगांव शहर से हमारे दोस्त हैं अखलाक अहमद अंसारी साहब, उन्होंने एक वीडियो भेजी। बहुत अच्छी आवाज है सिंगर की, और अखलाक अहमद साहब के कार्यकर्ता भी हैं। उनका नाम तो पता नहीं है, मगर अखलाक साहब ने हमें ये वीडियो दी है और उसी को मैंने भिवंडी पर कन्वर्ट किया है। तो आइए सुनते हैं नेताओं के बारे में एक शायर क्या कहता है। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद भिवंडी शहर की जो समस्याएं हैं उसको उजागर करना। इसमें जितने भी फोटो लगे हैं उन नेताओं से हमारा कोई विरोध नहीं है। अगर विरोध है तो अगर आप सत्ता में हो या सत्ता से थोड़ा सा बाहर हो, अगर सत्ता में हो तो काम करो शहर का, और सत्ता से बाहर हो तो आवाज उठाओ। भिवंडी शहर की समस्याओं को देखकर ऐसा लगता है कि जो सत्ता के बाहर हैं वो आवाज उठाने को तैयार नहीं, और जो सत्ता में हैं उन्हें आवाज उठाने का वक्त नहीं है। बहरहाल, आइए सुनते हैं शायर ने क्या खूब कहा है नेताओं के बारे में। मैं खान फखरे आलम। ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। है नेताओं का हाल, अरे बाप रे बाप, ये है नेताओं का हाल, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, उल्टी पलटी इनकी चाल, अरे बाप रे बाप, ये है नेताओं का हाल, अरे बाप रे बाप। एक नंबर के झूठे हैं ये झूठी बात बनाएंगे, एक नंबर के झूठे हैं ये झूठी बात बनाएंगे, इनको खुद पे नाज है, इनको खुद पे नाज है, फिक्र नहीं है इनको कोई, बढ़ती है महंगाई 135 में है दाल। अरे बाप रे बाप 135 में है दाल, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, उल्टी पलटी इनकी चाल। इस वीडियो को बनाने का हमारा असल मकसद भिवंडी शहर के विकास के लिए हम सभी मिलकर काम करें।